नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों हिंदी डिक्टेशन भूल रही हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, शुरू से अंत तक लिखें, बीच में ना रोकें। महोदय, कुछ समय पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा था कि देश में आरक्षण की नीति तब तक जारी रहेगी जब तक कि समाज के सब लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त नहीं हो जाते और हर व्यक्ति प्रजातंत्र के फायदों का उपभोग करने नहीं लगता। आरक्षण की नीति जारी रखना आज भी उतनी ही आवश्यक है जितनी कि यह लागू करते समय आवश्यक थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा जब आरक्षण की कोई जरूरत नहीं रहेगी। श्रीमती गांधी ने कहा कि उनकी सरकार देश की विभिन्न समस्याओं से परिचित है और वह इन समस्याओं को हल करने की हर संभव कोशिश कर रही है। उनकी सरकार ने देश के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को पूरा ध्यान में रखकर ही विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं ताकि समाज के सभी वर्ग के लोगों को अपनी उन्नति करने के भरपूर अवसर प्राप्त हों और देश तीव्र गति से प्रगति कर सके। समाज के सभी वर्गों के लोग इस देश की संतान हैं और उन्हें इस बात का पूरा अधिकार है कि वे अपनी समस्याएं सरकार के ध्यान में लाएं। परंतु लोगों को इस बात की सावधानी अवश्य रखनी चाहिए कि उनका तरीका प्रजातांत्रिक हो और उनकी कोई भी कार्यवाही राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल ना हो। यदि यह सावधानी नहीं बरती गई तो सामाजिक तथा अवसरवादी विदेशी तत्व स्थिति को बिगाड़ने की भरपूर कोशिश करेंगे और उस हालत में कई नई समस्याएं पैदा होंगी और देश की प्रगति की रफ्तार धीमी होगी तथा राष्ट्रीय एकता कमजोर होगी। श्रीमती गांधी ने स्वीकार किया कि आदिवासियों की समस्याओं को अब तक ना सुलझा पाने के लिए कुछ हद तक सरकार भी जिम्मेदार है। उन्होंने सुझाव दिया कि आदिवासी क्षेत्रों में लागू करने के लिए योजनाएं बनाते समय आदिवासियों की स्थिति, उनकी भावनाओं तथा आवश्यकताओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसी योजनाएं हों जिन्हें आदिवासी क्षेत्रों में आसानी से लागू किया जा सके तथा उनसे आदिवासियों को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हों।
ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। ऐसी योजनाओं में वन विकास की योजना भी महत्वपूर्ण है। वनों के उपयोग गिनाने की जरूरत नहीं है। ईंधन, इमारती ढांचा और पशु आहार ही नहीं अपितु अन्य कई प्रकार की वस्तुएं वनों से प्राप्त होती हैं। वनों पर हमारी निर्भरता निरंतर बढ़ती ही जा रही है। अतः वनों की अवैध कटाई पर कारगर ढंग से रोक लगानी होगी और वनों का योजनाबद्ध तरीके से विकास करना होगा। इस कार्य में आदिवासियों का सहयोग लिया जा सकता है। इससे आदिवासियों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और बड़ी मात्रा में वन उपज भी। हमें ऐसे तरीकों की खोज भी करनी होगी जिनके जरिए आदिवासियों को अपनी वन उपज का उचित मूल्य आसानी से प्राप्त हो सके। यद्यपि यह एक चुनौती भरा कार्य है, किंतु जीवन में अगर चुनौतियां ना हों तो वह भी मतलब हैं। चुनौतियां ही व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करने में मदद करती हैं। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।